सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। के नाते हमें उन लाभार्थियों से मिलना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कहता हूं साथियों, ये अनुभव मुझे भी हृदय को छू जाता है और मुझे काम करने का और आनंद बढ़ जाता है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े शान से करें। और हमने ऐसी सरकार दी है, 2014 से पहले देश का आम आदमी होने वाला है। बीते 5 वर्षों में देश में किस तरह का बदलाव आया है वो हम सबके सामने है। आज हर भारतीय फ्रेजाइल फाइल से बाहर निकलने की मशक्कत चुनी, जबकि 2019 से 2024 आगे विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अवसर है। ये सरकार के परिश्रम और आपकी सहभागिता का ही प्रतिफल है कि हम करोड़ों गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, दलितों, वंचितों तक सरकारी योजनाओं का लाभ। जो कार्यक्रम हो रहा है क्या है पूरा? ये महासंवाद अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को 53 मन की बात 53 बार उन्होंने की लोगों के साथ में मन की बात। अब क्योंकि इस सत्र का लगभग समापन में हम सब लोग खड़े हैं, तो एक महासंवाद के नाम से ये इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश भर में किया जा रहा है, जिसमें ये अलीगढ़ का कार्यक्रम है। हम और आप सभी अलीगढ़ के इस कार्यक्रम में खड़े हुए हैं। कितने लोग सर्किट किए, क्या 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 कितने लोगों ने सर्किट किए पूरे कार्यक्रम में, कितने एजेंडा बताए? प्रश्नोत्तर लगातार आप देख रहे हैं, लगातार माननीय मोदी जी के प्रश्न मोदी जी से लोग कर रहे हैं और वो सभी प्रश्नों का बखूबी जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमने जो है 2500 का ये लोगों को बुलाने का रखा था, बाकायदा सब लोगों को सूचना की थी। आप सब लोग भी उसी क्रम में शामिल हुए हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।